सर, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश। इन इंग्लिश आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर। दिस इज योर बुक। इफ यू हैव नॉट बाउट दिस बाउट द बुक येट, यू शुड बाय द बुक इंस्टेंटली। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मून लाइट सोनाटा। आई हैव रिटन द वर्ड मीनिंग हियर। यू कैन सी ऑन द बोर्ड मून लाइट, चांद की रोशनी, द लाइट इमिटेड बाय द मून। सोनाटा, सोनाटा इज अ पीस ऑफ म्यूजिक यूजुअली डिवाइडेड इनटू थ्री और फोर पार्ट्स व्हिच आर प्लेड एट डिफरेंट स्पीड्स। एफ, एफ इज अ म्यूजिकल नोट, संगीत का एक लय है। कंपोजर्स, पीपल हु राइट म्यूजिक, संगीतक। सीज्ड मीन्स स्टॉप, रुका। हार्पसिकॉर्ड एन ओल्ड टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अ पियानो बट विथ स्ट्रिंग्स दैट पुल नॉट ही। पियानो के जैसा पुराने तरह का एक वाद्य यंत्र जिसके धागे को खींचा जाता ना कि पीटा जाता। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर लेसन। आई एम रीडिंग एंड आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो। द मून लाइट सोनाटा। सोनाटा एक जो है क्या है, एक संगीत है जिसको तीन या चार भागों में बांटकर अलग अलग गति से बजाया जाता है। लुडविक वैन बेथोवेन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन कंपोजर्स। इसमें एक जो है जर्मन संगीतज्ञ के बारे में नाम है, संगीतज्ञ का नाम है जिस उनका नाम क्या है, लुडविक वैन बेथोवेन। ये जो है जर्मनी के सबसे महान कंपोजर थे, यानी संगीतज्ञ थे। इनफैक्ट मेनी पीपल कंसीडर हिम द ग्रेटेस्ट कंपोजर दैट द वर्ल्ड हैज एवर नोन। इसका मीनिंग ये हुआ, वास्तविकता ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ जो है वो जर्मनी के ही जो है महान कंपोजर नहीं समझते हैं, बल्कि पूरे दुनिया के महान कंपोजर, सबसे महान कंपोजर उनको समझते हैं। किनको? लुडविग वैन बेथोवेन को। वन मूनलाइट इवनिंग इन स्प्रिंग अ फ्रेंड केम टू विजिट बेथोवेन। एक दिन स्प्रिंग का समय था, स्प्रिंग के मौसम में, स्प्रिंग के सीजन में, शाम के वक्त में जब चांद का रोशनी था, उस दिन जो है एक दोस्त जो है आया मिलने के लिए। किससे? बेथोवेन से। ही से कम लेट अस वॉक टुगेदर इन द मूनलाइट। तो उस बेथोवेन के जो है फ्रेंड क्या किए, बेथोवेन से प्रपोज किए, प्रपोजल दिए कि चलो हम लोग चलते हैं एक साथ घूमने के लिए, हाँ इस जो है चांदनी जो है चांद के रोशनी में। द टू फ्रेंड्स स्ट्रॉल थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ वियना। स्ट्रॉल मीन्स वॉक्ड। द टू फ्रेंड्स स्ट्रॉल थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ वियना। वियना इज अ नेम ऑफ सिटी। स्ट्रीट्स मीन्स यू कैन से रोड्स। स्ट्रॉल आई एम रिटन हियर वॉक्ड। दोनों दोस्त वियना के सड़क पर जो है टहलने लगे। हू वेयर द टू फ्रेंड्स? द टू फ्रेंड्स वेयर लुडविग वैन बेथोवेन एंड हिज फ्रेंड। हिज नेम इज नॉट मेंशन हियर। व्हाइल पासिंग थ्रू अ डार्क नैरो स्ट्रीट बेथोवेन सडनली पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल कॉटेज। जब वो गुजर रहे थे दोनों, हाँ एक डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, नैरो स्ट्रीट मतलब संकरी गली से बेथोवेन जो है अचानक सडनली अचानक रुक गया एक छोटे से जो है झोपड़ी के सामने। पॉज्ड मतलब रुकना होता है। Halt means stopped. Huh?
फस ही से, उसने अपने दोस्त से कहा चुप हो जाओ, व्हाट साउंड इज देयर, कौन सा आवाज ये है, कैसा आवाज आ रहा है, इट इज फ्रॉम माय सोनाटा इन एफ, अरे ये तो मेरे जो है हाँ सोनाटा अभी मेरे जो है एक संगीत है जो कि एफ टोन में, यानी एक जो है संगीत का लय है एफ, एफ लय में जो है बजाया जा रहा है, लिसन हाउ वेल इट इज प्लेड, सुनो सुनो कितना अच्छा से इसको बजाया जा रहा है, यानी बेथोवेन जो है लुडविग वैन बेथोवेन बहुत ही जो है आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य से जो है सुनने लगे कि कौन सा आवाज आ रहा है, ये आवाज तो उन्हीं का जो है सोनाटा जो कि एक जो है म्यूजिक है, म्यूजिक पीस है, म्यूजिक का एक पीस है, उसी का जो है आवाज था, और वो आवाज वो जो सोनाटा जो है म्यूजिक जो है बहुत बढ़िया से बजाया जा रहा था, इसलिए वो आश्चर्य में पड़ गए, सुनने लगे, अपने दोस्त को बोले कि सुनो कितना सुंदर जो है आवाज ये, कितना सुंदर जो बजाया जा रहा है, द म्यूजिक वेंट ऑन, वो म्यूजिक जो है चल ही रहा था, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ब्यूटीफुल सोनाटा द म्यूजिक सीज्ड एंड लो सॉफ्ट्स वेयर हर इन स्टेट, अब वो जो सोनाटा का जब लगभग अंत आया था उस समय क्या हो गया, म्यूजिक बंद हो गया और धीरे से सिस्कन यानी रोने का आवाज सुनाई दिया उसके बदले में, अब कौन रो रहा था, अ गर्ल्स सॉफ्ट वॉइस से, एक लड़की का जो है सॉफ्ट आवाज है ना, कहा आई कैन नॉट गो एनी फर्दर, इसके आगे मैं अब नहीं जा सकती हूँ, यानी इसके आगे मैं नहीं बजा सकती हूँ, इट इज टू ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर है, आई डू नॉट हैव द पावर टू प्ले इट, मुझे तो इतना पावर नहीं है इसको बजाने का, एज इट शुड बी प्ले जैसा इसको बजाया जाता, ओ हाउ आई विश आई कुड डू टू वन ऑफ द बीटोवेन्स कंसर्न, फिर वो लड़की कह रही थी ओ कितना हाँ कितना मैं जो है इच्छा करती हूँ, कितना मुझे इरादा है कि मैं जो है बीटोवेन्स के जो है एक कंसर्ट में जा पाती, आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ कंसर्ट हियर, अ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, तो इस लड़की का बहुत ही इच्छा था कि काश मैं जो है बेथोवेन जो एक महान जर्मन कंपोजर है उसके कंसर्ट में जा पाती, या माय सिस्टर सेड अनदर वॉइस, फिर दूसरा आवाज हाँ सुनाई पड़ रहा था बेथोवेन को, क्या आवाज था, एक दूसरा आवाज था कि हाँ मेरी बहन, इसका मतलब उसका भाई जवाब दे रहा था हाँ, why wish for something you cannot have, तो बोले अरे तुम ऐसा इच्छा क्यों करती हो जिसको कि हम लोग नहीं पा सकते हैं, जिसको तुम नहीं पा सकती है, we can barely pay our rent, हम लोग तो मुश्किल से जो है रेंट दे पाते हैं, you are right answered the girl, लड़की जवाब दी हाँ तुम सही कह रहे, एंड येट आई विश फॉर वंस इन माय लाइफ टू हियर सम रियली गुड म्यूजिक, लेकिन तो भी फिर भी मुझे इच्छा है एक बार मैं अपने जीवन में जो है हाँ कुछ बहुत ही सुंदर म्यूजिक जो है सुनने का इरादा रखते हूँ, बेटोवन लुक एट हिज फ्रेंड, ये आवाज जो बेटोवन को सुनाई दिया, कन्वर्सेशन दोनों के बीच में भाई बहन के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो सुना दिया, उसके बाद जो है बेटोवन जो अपने दोस्त की तरफ देखने लगे, उसके बाद बेटोवन क्या बोले, लेट अस गो इन ही से, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, गो इन व्हाई शुड वी गो इन, उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि क्यों अंदर जाऊं, क्यों हम लोगों को अंदर जाना चाहिए, आई विल प्ले फॉर हर से द मास्टर, मास्टर यहाँ पर बेटोवन को बता रहा, तो बेटोवन का अरे मैं उसके लिए उस लड़की के लिए जो है बजाऊंगा इन अ लो टोन, मतलब धीमे से बोलना वो, दिस गर्ल हैज द सोल ऑफ अ म्यूजिशियन, इस लड़की का जो है म्यूजिशियन जैसा सोल है, आई विल प्ले फॉर हर, मैं उसके लिए बजाऊंगा एंड सी विल अंडरस्टैंड, और वह समझ जाएगी,
When the two friends enter the room, जब दोनों दोस्त जो है उसके कमरे में प्रवेश किए, they saw a pale young man sitting by a table making shoes. तो उन दोनों दोस्त को दिखाई दिया एक पेल मतलब होता है उदास यंग मैन जो बैठा हुआ था एक टेबल के बगल में और वो सूज बना रहा था. नियर हिम सेट अ यंग गर्ल और उसके पास ही में एक यंग गर्ल जो लड़की जो बजा रही थी वो बैठी हुई थी. शी वाज लीनिंग सोरोफुली अपॉन एन ओल्ड फैशन्ड हार्पसिकॉर्ड वह जो है झुकी हुई थी उदास पूर्वक. हाँ वो पुराने स्टाइल का पुराने शैली का जो था हाँ उसके पास वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था जिसको हार्पसिकॉर्ड कहते हैं उसी पर वो झुकी हुई थी. बोथ द यंग मैन एंड द गर्ल वेयर स्टार्टल्ड दोनों वो भाई बहन जो था यंग मैन और जो ये गर्ल थी दोनों जो है आश्चर्य में पड़ गए. स्टार्टल्ड मतलब आश्चर्य में पड़ना. Fall into surprise and turn towards the door और दरवाजे की तरफ मुड़े. When the strangers enter the room जब strangers कौन हुआ बेटोवन और उसके दोस्त जब strangers जो है उनके कमरे में प्रवेश किए. Today I will teach you only this page number 1 and based on this page, I will give you some question. You will give the answer and send me on my WhatsApp number. I have given you only five questions. You will give the answers and send me on my WhatsApp number. First question is, who was Ludwig van Beethoven? Ludwig van Beethoven कौन थे? Second question is, who was playing harpsichord? हार्पसिकॉर्ड वाद्य यंत्र जो था कौन बजा रहा था. व्हाट इज सोनाटा सोनाटा क्या है. व्हाट वाज द गर्ल्स ब्रदर लड़की का भाई क्या था. हु सेड हस टू हूम किसने कहा हस और किससे कहा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.